नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो कि पढ़ाई से संबंधित है। जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा नियम लागू कर दिया गया है, जहां कोचिंग सेंटर्स पे भी है। साथ ही साथ में ये नियम जो बच्चे 16 साल की उम्र के, यानी कि 16 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, वो कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, यानी कि कोचिंग सेंटर उनका एडमिशन ही नहीं ले सकता है। एक बहुत बड़ा नियम लागू किया गया है। साथ ही साथ में इस न्यूज़ को पूरे पेरेंट्स, माता पिता को, बच्चों को ध्यान से सुननी है। साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी चीज़ कि अगर इस नियम को अगर कोई पालन नहीं करता है तो इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो सरकार की ये नई गाइडलाइंस आ चुकी है, इस गाइडलाइंस के बारे में पूरा विस्तार से समझते हैं। छात्रों के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के लिए एक बेहद बड़ा फैसला लिया है, जो कि सभी कोचिंग सेंटर्स जितने भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं उसमें सरकार के अंतर्गत खुद को रजिस्टर करवाना होगा, पहली चीज़। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन का कोचिंग सेंटर 2024 के तहत बनाई गई गाइडलाइन को केंद्र के द्वारा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया ताकि वे उन पर लागू करवाएं। अब क्या है ये गाइडलाइन, उसको अच्छे से समझते हैं। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई इस गाइडलाइन में कुछ बातों पर खास तौर पे जोर दिया गया है, जिसमें गाइडलाइंस में कहा गया है कि छात्रों पर कंपटीशन का बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, इसलिए कोचिंग सेंटर्स अब छात्रों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखने के लिए कदम उठाएंगे। साथ ही साथ उन पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई छात्र तनाव की स्थिति में है तो उसकी सहायता की ज़रूरत होगी, तो ऐसे में कोचिंग सेंटर को सबसे पहले व्यवस्था करके चलना होगा और उस छात्र की मदद मिल सके जितना हो सके। इसी के साथ जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें अनुभवी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर्स को भी शामिल करने का काम करना होगा। कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई नई गाइडलाइन के अनुसार अब जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनमें 16 साल से कम उम्र के छात्र का एडमिशन नहीं हो सकेगा। जी हाँ, वो अब जितने भी कोचिंग सेंटर है वो 16 साल से अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसको एडमिशन ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस वजह से बच्चों पे प्रेशर आता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए गाइडलाइन बनाई गई है। और इसी के साथ में ट्यूटर्स की शैक्षणिक योग्यताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ में कोचिंग सेंटर के अंदर जो जगह होती है एक स्टूडेंट के लिए, वो लगभग 1 स्क्वायर मीटर देनी होगी। अब बात करते हैं, इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना भी दिया जाएगा। अगर इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है पहली बार कोचिंग के द्वारा तो 25,000 का फाइन लगाया जाएगा, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1,00,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। एक सबसे जरूरी बात भी बता देते हैं फीस को लेकर। अगर कोई छात्र पूरे कोर्स की फीस देता है और बीच में कोर्स को छोड़ देता है तो ऐसे में कोचिंग संस्थान को बचे हुए कोर्स की फीस उसे वापस देनी पड़ेगी, साथ ही साथ जिसमें हॉस्टल या मैस की फीस है वो भी लौटानी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी गाइडलाइन आई है जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, कोचिंग सेंटर्स थे, उनके लिए नियम लागू कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए क्या जो नियम लागू किया गया यह सही है, गलत है, आपका जो भी विचार हो कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।